नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। हमने तिल से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आज हम तिल सूजी की बर्फी बनाएंगे। तिल में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और तिल की तासीर भी गर्म होती है। ठंड के दिनों में हम तिल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ ताकत भी देती हैं। तिल सूजी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भूनकर तैयार करेंगे। ये हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और कढ़ाई में हम तिल डाल देंगे। एक कप तिल है, 150 ग्राम तिल लिए हमने। तिल को हम लगातार चलाते हुए हल्का सा फूलने और हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तिल भूनकर के तैयार हैं और तिल की खुशबू भी आ रही है। इन्हें हम थाली में निकाल लेते हैं। तिल को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना होता, क्योंकि तिल अगर जरा भी ज़्यादा भून जाए तो ये कड़वे हो जाते हैं। हमारे तिल भून गए हैं, अब हम सूजी भूनेंगे। हमने ये आधा कप घी लिया है, 125 ग्राम घी है, तो घी को हम डाल देते हैं कढ़ाई में और मेल्ट होने देते हैं। अब हम डालेंगे सूजी। एक कप सूजी है, 180 ग्राम सूजी है। सूजी को हम मीडियम आग पर लगातार चलाते हुए हल्की ब्राउन होने तक और अच्छी महक आने तक भूनेंगे। सूजी का कलर हल्का ब्राउन हो गया है, अच्छी महक आ रही है। सूजी भूनकर तैयार है। सूजी को भी हम अलग थाली में निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। तो एक तरफ हम तिल कर देते हैं, एक तरफ सूजी को रख लेते हैं। वैसे हमें ये दोनों चीजें मिलानी ही हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हम चीनी पैन में डाल देते हैं। एक कप चीनी लिए हमने, 250 ग्राम चीनी है और हम डालेंगे एक तिहाई कप पानी। चीनी को पूरी तरह घुलने तक चाशनी को पकने देते हैं। और जब तक हमारी इधर चाशनी पक रही है, इधर हम ये पिस्ते काट करके तैयार कर लेते हैं। हमने ये एक टेबल स्पून पिस्ते लिए हैं, इनसे हम बर्फी की गार्निश करेंगे। तो इन्हें हम पतला पतला काटेंगे। चाशनी को और हमने एक दो मिनट पका लिया है और चाशनी को हम देखें इस तरीके से, देखिए कलछी से हम टपका रहे हैं, तो जो बाद में है चाशनी का तार बन करके चाशनी गिरने लगी है। हमारी चाशनी बन गई है। गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देते हैं और भुनी हुई सूजी और तिल चाशनी में डालकर मिक्स करते हैं। गैस हमने धीमी रखी है इस समय। एक छोटी चम्मच छोटी इलायची का पाउडर है, ये हम डाल देंगे। और ये हमने दो टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम ले लिए हैं, ये भी डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक हम इसी में इस मिश्रण को चलाते रहते हैं, हल्का सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसे ट्रे में जमा देंगे। ट्रे में थोड़ा सा घी डाल करके इसे चिकना कर लेते हैं। थोड़ी देर हम मिश्रण को चला लेते हैं कढ़ाई में और हम इस बर्फी में हम जो भी चाहें, जैसे हमें काजू पसंद है तो काजू काट करके डाल सकते हैं, अखरोट पसंद है तो अखरोट काट करके डाल सकते हैं और बिना ड्राई फ्रूट के भी बर्फी बना सकते हैं। यानी कि हम अगर बादाम नहीं डालें तो भी बर्फी अच्छी बनेगी। तो ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाएगा, मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा। ये हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है, अब हम इसे प्लेट में जमा देते हैं। बर्फी के ऊपर हम ये पिस्ते डालकर बर्फी की गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा ब्रश से या चम्मच से इस तरीके से दबा देंगे हम पिस्तों को, ताकि ये बर्फी में सेट हो जाए। बर्फी को हम 10-15 मिनट ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें काटने के निशान लगा देंगे। बर्फी को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, अब हम इसमें काटने के निशान लगा देते हैं।
बर्फी को हमने काट दिया, अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसके पीसेस अलग कर लेंगे। ये बर्फी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है, इसके पीसेस हम अलग कर लेते हैं। तिल सूजी की बर्फी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनी है, और ये बर्फी बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप तिल भून रहे हैं तो ध्यान रखना है तिल बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनने चाहिए। 2-3 मिनट के अंदर ही तिल भून करके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तिल जरा भी ज़्यादा भून जाए तो वो कड़वे हो जाते हैं। सूजी बिल्कुल उसी तरीके से भूननी है जैसे आप हलवे के लिए भूनते हैं। चाशनी बनाने में भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, चीनी डालिए और उससे 1/3 पानी डाल दीजिए। चीनी जैसे ही घुलती है उसके 1-2 मिनट चाशनी को पका लीजिए, बिल्कुल अच्छी चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। तिल और सूजी चाशनी में मिलाइए, अच्छे तरीके से मिलने दीजिए और इसके बाद जमा दीजिए। बहुत ही अच्छी बर्फी बन करके तैयार होगी। और ये बर्फी पूरे तरीके से ठंडे होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 1 महीने से भी ज़्यादा रखकर आप इसे खाते रहिए। तो आप ये तिल सूजी की बर्फी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।